Welcome in today's lecture. Today we are going to discuss about polyembryony. आज हम लोग polyembryony के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसने इनको polyembryony के इस phenomena को सबसे पहले observe किया, कितने तरीके के polyembryony होते हैं और क्या क्या उसके examples होते हैं. So polyembryony, जैसे कि आप समझते हैं कि ये दो words से बना है, एक है poly और दूसरा है embryony. Poly का मतलब होता है बहुत, ढेर सारे, और embryony refers to embryo. तो इन दो शब्दों को मिला करके हमारे पास एक वर्ड आता है polyembryony, which means it's a phenomena. ये एक phenomena है जो कि नेचर में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाया जाता है. और ये एक ऐसा phenomena है जब डेवलपमेंट embryos का होता है zygote से, तो और भी अदर embryos एक साथ फॉर्म हो जाते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा embryos इज what we call it as polyembryony, और इसी को हम लोग polyembryony कहते हैं. More than one embryo, poly means more, embryo for embryo, embryony for embryo. कंटेंट्स polyembryony मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसने डिस्कवर किया. टाइप्स ऑफ polyembryony, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स polyembryony और डिफरेंट टाइप्स ऑफ polyembryony, उनके एग्जांपल्स के साथ हम लोग इस पे आज बात करेंगे. polyembryony मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक फिनोमेना है, डेवलपमेंट है ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड. एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले polyembryony को देखा, ऑब्जर्व किया प्लांट्स में, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी आर रेफरिंग ओनली टू प्लांट्स, ओके. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज समवेयर अराउंड 1791 में, 1791 में इन्होंने ऑरेंज में, सिट्रस प्लांट में जो है इस polyembryony को देखा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. दो तरीके के polyembryony हैं, एक ट्रू polyembryony और एक है फॉल्स polyembryony. ट्रू polyembryony और फॉल्स polyembryony में क्या फर्क है, ठीक है, देखते हैं. ट्रू polyembryony में जो zygotic embryo है और जो extra embryos है, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है zygotic embryo और दूसरा है extra embryo. सो zygotic और extra embryos का डेवलपमेंट एक ही embryo sac के अंदर होता है, और फॉल्स polyembryony में दोनों का डेवलपमेंट अलग सैक्स में होता है. zygotic embryo का अपने embryo sac में होगा एंड द एक्स्ट्रा embryos विल डेवलप इन द अदर sac, ओके, इन द अदर embryo sac, राइट. सो ये एक डिफरेंस है ट्रू polyembryony और फॉल्स polyembryony का, ठीक है. सो आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि zygotic embryo जो है, ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है zygotic embryo और दूसरा है अदर embryos, या फिर हम जिसको एक्स्ट्रा embryos के नाम से भी हम लोग बात कर सकते हैं. कहीं कहीं पर मैं आपसे नॉर्मल embryo की बात करूंगा. अगर नॉर्मल embryo की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि मैं zygotic embryo के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है. सो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है ट्रू polyembryony में zygotic और अदर embryos का किस में हो रहा है, सेम embryo sac में हो रहा है, ठीक है. कहाँ पे हो रहा है, सेम embryo. लेकिन फॉल्स polyembryony में जो extra embryos और zygotic embryos का है वो कहां पे हो रहा है, इन डिफरेंट sac, ओके. वन embryo sac दैट इज अदर देन द वन इन विच द zygotic embryo इज डेवलप. टू डिफरेंट या मोर देन टू sacs यहां पे पाए जा सकते हैं, ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रू polyembryony और फॉल्स polyembryony के बीच में डिफरेंस है. आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ट्रू polyembryony कितने तरीके के हैं. ट्रू polyembryony में सबसे पहले जो आता है वो है क्लीवेज polyembryony. क्लीवेज का मतलब है कि जाइगोट जो फॉर्म हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उस जाइगोट के सेल्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और कुछ सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस फॉर्म कर देंगे. दिस इज व्हाट इट मींस क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी. और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, निकोटियाना रस्टिका. ये एक हर्ब है और इससे निकोटीन बनती है, आपको पता होना चाहिए इसका बायोलॉजिकल नेम, निकोटियाना रस्टिका. नेक्स्ट, हमारे पास जो अदर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी है वो हमको हम उसको बोल सकते हैं एडवेंटिव polyembryony. सॉरी माय फॉल्ट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड.
ओके अगर हम उससे पहले बात करें डिफरेंट अदर टाइप्स की, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्ब्रियो सैक, अगर आप जानते हो एम्ब्रियो सैक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी, हम लोग एक इस बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं एक एम्ब्रियो सैक में. एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, और हमारे पास पोलर न्यूक्लियर सेल्स होते हैं. सो ये एक डायग्राम है एक एम्ब्रियो सैक का, ठीक है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास एंटीपोडल सेल्स हैं, हमारे पास पोलर न्यूक्लियर है, हमारे पास एग है, हमारे पास सिनर्जिड्स हैं, ओके, फिलीफॉर्म एपरेटस, दैट्स द डिफरेंट थिंग, राइट. हमारे पास टोटल 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियर होते हैं. किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा. एक एम्ब्रियो सैक में, जिसको कि हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, उसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियर है. हालांकि 7 सेल में 7 न्यूक्लियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है. कैसे और क्यों, लेट्स सी. एंटीपोडल सेल्स ऊपर के 3 जो कि चलाजल एंड में है, नीचे 3 सेल्स जो कि एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, राइट. और बीच में हमारे पास एक सेल, हम लोग इसको एक सेल काउंट करते हैं. यहाँ पे आप 2 पोलर न्यूक्लियर देख सकते हो, ये न्यूक्लियर की बात कर रहा है, ठीक है. लेकिन इट इज मेकिंग 1 सेल एंड दिस इज कॉल्ड ए सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं इस बीच वाले को, ठीक है. सो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और बीच में एक सेल, टोटल 7 सेल हुए. लेकिन जो न्यूक्लियर है वो कितने हैं, 3 ऊपर के लिए, 3 नीचे के लिए, लेकिन बीच में 2 न्यूक्लियर है, ठीक है. सो टोटल 8, 3+3+2 विच विल मेक 8. तो इस तरीके से हमारे पास 8 न्यूक्लिया है. तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं वो फॉर्म हो सकते हैं एंटीपोडल सेल से, वो फॉर्म हो सकते हैं सिनर्जिट से, वो फॉर्म हो सकते हैं इवन इन पोलर न्यूक्लिया के फॉर्मेशन के बाद जो एंडोस्पर्म होता है, उस एंडोस्पर्म से भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज फॉर्म हो सकते हैं. इसके बाद हमारे पास जो ये एम्ब्रियो सैक जिससे सराउंड होता है, जिसको हम लोग न्यूसिलस कहते हैं, ये एक पेरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, और इन इस न्यूसिलस से, इसके सेल से भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस का डेवलपमेंट हो सकता है, ओके. जल्दी से हम लोग वापस आते हैं अपने इस पॉलीएम्ब्रियोनी में, ठीक है. सो नेक्स्ट जो है हमारे पास अल्मस अमेरिकाना है, ठीक है. और इसके बाद हमारे पास एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी आती है. एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो, इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैंगो, और मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्निफेरा इंडिका, ओके. नेक्स्ट यूजीनिया, ये भी एक तरीके का श्रब है, और ये आप पार्क में दे सकते हैं, जहां पे कि इसके द्वारा फेंसिंग करी जाती है पार्क के चारों तरफ. सो दिस, द नेम ऑफ दिस इज यूजीनिया, ओके. इसका जो नाम है वो यूजीनिया है, और ये एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हमारे पास जो है सेगिटेरिया. सेगिटेरिया जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड्स, ठीक है. सिनर्जिड्स से ये एक एग्जाम्पल है सेगिटेरिया, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारे पास बैलेनोफोरा, ये कि ये एक रूट पैरासिटिक प्लांट है, और ये जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रियो दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम एंडोस्पर्म, ठीक है. जो एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है उसका ये एक एग्जाम्पल है, राइट. फिर से हम लोग एक बार जल्दी से पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी कौन कौन से थे. क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी था, जिसका एग्जाम्पल निकोटियाना रस्टिका था. एक जाइगोट है जो कि क्लीव कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिफरेंशिएशन उसमें सेल्स में हो रहा है, एंड इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर बींग फॉर्म फ्रॉम दैट सेल्स दैट हैव बीन डिफरेंशिएटेड इंटू फॉर्मिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज, निकोटियाना रस्टिका. दूसरा एग्जाम्पल जो है एंटीपोडल सेल से है, ठीक है. एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियोज फॉर्म हो रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल अल्मस अमेरिकाना है. ये एक पेड़ है जो कि नेटिव ऑफ यूएस है, ठीक है. इसके बारे में फर्दर यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन गूगलिंग और समवेयर एल्स फ्रॉम, ठीक है. मैं इन पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ. नेक्स्ट हमारे पास जो है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी. एडवेंटिव का मतलब है डेवलपिंग द एम्ब्रियोज अपार्ट फ्रॉम
एग, ठीक है, एग से तो नॉर्मल जाइगोट बनता है, लेकिन एग के अलावा किसी और से भी बन रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी. इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास मैंगो है, एग्जांपल बायोलॉजिकल नेम मैग्निफेरा इंडिका है. नेक्स्ट यूजीनिया भी सेम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है. सेगिटेरिया जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, और ये इसका एग्जाम्पल जो है दिस इज फ्रॉम सिनर्जिट्स. ओके, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बैलोनोफोरा, जो कि एक एंडोस्पर्म से फॉर्म होता है, और एंडोस्पर्म आपको पता होना चाहिए कि दिस गिव्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फॉर्म होता है. जल्दी से हम लोग अब कीवर्ड्स देख लेते हैं कि हम लोग ने आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, ये एक फिनोमेना है जिसमें कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं. दूसरा हम लोग ने पढ़ा एंथनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में, जिन्होंने की फर्स्ट टाइम 1791 में, अगर हम मैं गलत नहीं हूँ, इन 1791 रिलेटेड टू योर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज द ईयर, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले सिट्रस फ्रूट ऑरेंज में जो है इन्होंने देखा. ट्रू और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी, दो तरीके की फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी. ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में दोनों टाइप ऑफ जो एम्ब्रियोज हैं, एक है जाइगोटिक और दूसरा है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज, उन दोनों का डेवलपमेंट एक ही एम्ब्रियो सैक में, लेकिन फॉल्स में डिफरेंट सैक्स में होता है. दूसरा क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास निकोटियाना रस्टिका है. उसके बाद हमारे पास एंटीपोडल सेल से भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं, अल्मस अमेरिकाना इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हमारे पास एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास मैंगो है, मैग्निफेरा इंडिका. यहाँ पे एक स्पीशीज मैंने लिखी है मैग्निफेरा इंडिका की, देर आर सो मेनी डिफरेंट अदर स्पीशीज एज वेल. दूसरा यूजीनिया, जो कि एक श्रब है जो कि आप देख सकते हो पार्क में, फेंसिंग जहाँ पे करी जाती है. नेक्स्ट सिनर्जिड्स अनदर एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल सेगिटेरिया है, सिनर्जिड से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस फॉर्म होना. और लास्ट जो है वो है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म से जो एग्जाम्पल है वो है बैलोनोफोरा. सो दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच. आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ अदर्स एज वेल. थैंक यू.